ब्लू शोल्डर नर देखें दोस्तों, माशाल्लाह नई टिक्कियाँ निकाल रहा है। खूबसूरत नर, सारे परिंदे दाना दाना उठाने में मसरूफ़। ये देखें दाना खा रहे हैं सब, चकोर, मुर्गियाँ, कबूतर। गुलहरी भी साथ है इनके दोस्तों, गुलहरी भी दाना खाती है इधर। ये देखें मोर दोस्तों, थोड़ा सुस्त हो रहा है मोर। ये देखें इसके साथ वाले मोर दूसरी तरफ हैं, वो पता नहीं किस तरफ गए। मोर ढीला मालूम हो रहा है, आराम से खड़ा है। ये देखें सील, वाइट सील दोस्तों, बड़ा मुर्गा वाइट सील। चकोर मुर्गियों को कबूतरों को दाने के नज़दीक नहीं आने देती। जब ये खुद पेट भर जाएगा इनका, फिर चकोर साइड पे होंगी तो मुर्गियां खा सकेंगी दोस्तों। कबूतर मस्ती भी कर रहे हैं, दाना भी खा रहे हैं। ये देखें दोस्तों, जूम करके चेक करते हैं। ये देखें ये चकोर परिंदा बड़ा डेंजरस परिंदा है दोस्तों, दूसरे परिंदों को मारता है। ये कहते हैं हम खुद अकेले अकेले ही दाना खाएं, इतना दाना इनसे खाया भी नहीं जाता। ये देखें माशाल्लाह, किसी भाई को मोर के बारे में कोई मालूमात हो तो ज़रूर बताएं। मोर ढीला ढीला सा है, दाना वगैरह नहीं खा रहा। ये देखें इसको, कोई मेडिसिन की ज़रूरत है तो कोई भाई जानता हो तो ज़रूर मशवरा दें यार। ये देखें मोर ना कुछ, या तो सर्दी महसूस कर रहा है या इसे ठंड लगी है। कल तो बिल्कुल ठीक था ये मोर, आज ये सुस्त है। मुझे लगता है इसको सर्दी लगी है, ठंड की वजह से ये सुस्त है। दूसरे मोरों के साथ आवारागर्दी करने भी नहीं गया, दूसरे मोर मोरनियाँ वो आवारागर्दी करने निकली हुई हैं, उनके साथ नहीं गया, ये इधर ही खड़ा है। ये कबूतरों को पानी नज़र आए तो वो नहाने की तैयारी कर लेते हैं, भले शाम हो, सुबह हो, सर्दी हो, गर्मी हो। वो देखें दूसरी तरफ से मोर की आवाज़ आ रही है, बड़े मोर की। वो भी ब्लू शोल्डर है दोस्तों, वो
दूसरी तरफ आवाज़ ही आ रही है उसकी सिर्फ।